अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बना लिए सूखी ग्रेवी। आज मैं बनाने जा रही हूँ गरम मसाले वाला झींगे का सालन। पैन गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ छोटी कटी हुई प्याज। प्याज को थोड़ा भुनना है, जब प्याज पर लाल निशान आने लगे तो गैस बंद कर देना है। अब कुछ मसाले पीसने हैं। मिक्सर जार में एक छोटा कटा हुआ टमाटर डाल लिया है। अब जो प्याज हमने भून के रखे थे वो डाल देना है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें डालना है 1.5 टेबल स्पून सूखा खोपरा। अब इसमें 8 जवे लहसुन के डाल देंगे। 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, 15 काली मिर्चें। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, साथ ही साथ 1 डंठल कड़ी पत्ता लूज डाल दिए हैं। कड़ी पत्ता क्रैकल होने के बाद इसमें डाल देना है पीसे हुए मसाले। अब डालना है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब डाल देना है झींगे। ये मैंने 150 ग्राम झींगे ली हूँ। अब इसमें डाल देना है 1 ग्लास पानी जो रिकॉर्डिंग में मिस हो गया है, और साथ ही साथ 2 मीडियम साइज़ के आलू। सब चीज़ें मिलाकर सुलो आंच पर 15 मिनट के लिए पकने रख देना है। पंद्रह मिनट बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू भी बिल्कुल गल चुका है, झींगे भी पक गए हैं। ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसे आप येलो खिचड़ी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।